ఎవరి దయ దాక్షిణ్యాలు డబ్బు లేకుండా తన కళ నిజం చేసుకున్నాడు నా హీరో. हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल टेक्नो केयर एडिट. सो गाइज, कैसे हैं आप? जैसा कि गाइज 14 अप्रैल को आपका अंबेडकर जयंती आने वाला, सो गाइज उसी के उपलक्ष्य में हमने ये वीडियो एडिट किया. तो यार वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिए, क्योंकि कमेंट करेंगे तो यार मेरा हौसला बढ़ेगा और वीडियो एडिट करने में मजा आएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को. तो गाइस, इस तरह का वीडियो बनाने के लिए आपको सबसे पहले काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन करना है. यदि आपके पास काइन मास्टर एप्लीकेशन नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा. और गाइस, जितना भी मटेरियल मैं यूज़ करूँगा सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा. तो गाइस, इसके बाद आपको प्लस के सिंबल पर क्लिक करके आपको 16:9 का एस्पेक्ट रेशियो चूज कर लेना है. इसके बाद गाइस आपको बैकग्राउंड वीडियो चूज कर लेना है. तो मैं यहाँ से बैकग्राउंड वीडियो चूज कर लेता हूँ. सो गाइस, ये रहा हमारा बैकग्राउंड वीडियो, और यहाँ से ओके कर लेंगे. ठीक है, इसके बाद गाइज आपको क्या करना है, इसके बाद आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे चले आना. उसके बाद लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करेंगे, और गाइज ए वाला PNG चूज कर लेना, जय भीम वाला. ओके, एंड गाइज इसके बाद आपको क्रॉपिंग के ऑप्शन पे चले आना. उसके बाद आपको ये जय वाला जो PNG है उसे क्रॉप कर लेना इस तरह से, और यहाँ से ओके करेंगे. ठीक है, इसके बाद जो जय वाला PNG है उसे ला करके यहाँ पर सेट करेंगे. ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर सेट करेंगे. इसके बाद इसको 3 डॉट पे जाकर के इसे डुप्लीकेट कर लेंगे, और गाइज इसको ला करके यहाँ पर सेट करेंगे. ठीक है, इसके बाद फिर से आपको क्रॉपिंग पे जाना है, और इसके बाद आपको यहाँ पर भीम को क्रॉप कर लेना इस तरीके से आपको भीम को क्रॉप कर लेना, और यहाँ से ओके करेंगे. और गाइज इस PNG को लगा करके यहाँ राइट में सेट करेंगे. ठीक है, इस तरह से सेट कर लेंगे अच्छी तरीके से. ठीक है, इसके बाद गाइज ऑप्शन वाले में चले जाना है, और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है आउट एनिमेशन का, इस पर क्लिक करेंगे. और गाइज यहाँ पर आपको एग्जिट स्लाइड राइट पर क्लिक करके इसे एनिमेशन दे देना. ठीक है, और यहाँ से ओके कर लेंगे. और गाइज फर्स्ट वाले PNG पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद फिर से आउट एनिमेशन में जाएंगे. इसके बाद आपको ए वाला चूज कर लेना एनिमेशन, ये एग्जिट स्लाइड लेफ्ट वाला. ठीक है, और यहाँ से ओके करेंगे. उसके बाद आपका वीडियो कुछ इस तरह से हो जाएगा. ठीक है, अब इसके बाद गाइज आपको फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर चले जाएंगे, और लेयर पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करेंगे, और गाइज ए वाला ग्रीन स्क्रीन वीडियो चूज कर लेंगे. ठीक है, और यहाँ से ओके कर देंगे. अब गाइज इसके बाद क्या करना है, इसके बाद गाइज आपको फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर चले आना है, और उसके बाद लेयर पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करना है, और उसके बाद ए वाला ग्रीन स्क्रीन वीडियो चूज कर लेना, और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके इसे फुल स्क्रीन कर देंगे. और गाइज इसके बाद यहाँ से बैक करेंगे, और गाइज यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है क्रोमा की का, इस पर क्लिक करेंगे और इसे इनेबल कर देंगे गाइज. और यहाँ पर जो कलर होना चाहिए आपका ग्रीन होना चाहिए. ठीक है, और यहाँ से ओके करेंगे, और यहाँ से भी ओके करेंगे. ठीक है गाइज, अब जहाँ तक हमारा एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो है वहाँ तक हमारा एक PNG भी होना चाहिए. ठीक है, तो उसके बाद इस PNG को ग्रीन स्क्रीन वीडियो तक बढ़ा लेंगे इस तरह से. ठीक है, इसके बाद गाइज क्या करना है आपको, इसके बाद गाइज आपको क्या करना है, इसके बाद गाइज आपको अपने वीडियो को 5.4 सेकंड के लिए आगे बढ़ा लेना है इस तरीके से. तो यहाँ पर हमारा 5.4 सेकंड हो गया. इसके बाद आपको यहाँ पर रोक देना है, उसके बाद लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करेंगे, और गाइज यहाँ से अपना मॉडल इमेज चूज कर लेंगे. ठीक है, तो मैं यहाँ से ये वाला मॉडल इमेज चूज कर लिया हूँ. आप अपना फ़ोटो भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर, और आपका फ़ोटो जो है यहाँ पर PNG में होना चाहिए. ठीक है, इसके बाद इस मॉडल इमेज को यहाँ पर एडजस्ट करेंगे अच्छी तरीके से, ताकि देखने में अच्छा लगे. ठीक है, इसके बाद इसके लेयर को इस तरीके से बढ़ा देंगे, और इसके बाद गाइज यहाँ से ओके करेंगे. ठीक है, इसके बाद गाइज क्या करना आपको, इसके बाद गाइज आपको अपने मॉडल इमेज के लेयर पे क्लिक करना है. उसके बाद गाइज यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है की का, इस पर क्लिक करेंगे, और गाइज इसके बाद आपको अपने वीडियो को 5.8 सेकंड के लिए आगे बढ़ाना है. ठीक है, इस तरीके से 5.8 सेकंड के लिए आगे बढ़ा देंगे, और इसके बाद प्लस का डॉट देंगे यहाँ पर, इसके बाद वीडियो को आगे बढ़ा लेंगे इस तरीके से. इसके बाद गाइज आपको अपने वीडियो को बड़ा कर लेना. ठीक है, इसके बाद आपको अपने वीडियो को इस तरीके से बड़ा करना है, इस तरीके से बड़ा कर लीजिएगा, और उसके बाद यहाँ से ओके करेंगे. उसके बाद आप वीडियो प्ले करेंगे तो आप वीडियो में एनिमेशन देखने को मिलेगा. तो इसके बाद गाइज जहाँ से हमारा मॉडल इमेज स्टार्ट हो रहा है उसके पोजीशन पे चले जाएंगे. ठीक है, यहाँ से हमारा मॉडल इमेज स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रोक देंगे वीडियो को, और उसके बाद लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करेंगे, और आपको ए वाला स्मोक वाला जो इफेक्ट है उसे ले लेना. ठीक है, डस्ट वाला. ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा, और यहाँ से बैक करेंगे. ठीक है, उसके बाद गाइज यहाँ पर चले जाएंगे ऑप्शन वाले में, और ब्लीडिंग के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ से स्क्रीन कर लेना, और यहाँ से ओके करेंगे. ठीक है, अब वीडियो को प्ले करेंगे तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से हो जाएगा. ठीक है,
इसके बाद गाइज क्या करना आपको, इसके बाद गाइज आपको अपनी वीडियो को 10.3 सेकंड के लिए यहाँ पर लेके आ जाना, ठीक है 10.3 सेकंड। यहाँ पर हमारा 10.3 सेकंड कंप्लीट हो गया। इसके बाद लाकर के वीडियो को यहाँ पर रोक देंगे और इसके बाद लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करेंगे और आपको ए वाला बी आर अम्बेडकर वाला पीएनजी इमेज चूज कर लेना। उसके बाद आपको ऑप्शन वाले में चले जाना और क्रॉपिंग पे क्लिक करेंगे और इसमें से बी आर को क्रॉप कर लेंगे इस तरीके से और यहाँ से ओके करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसके लेयर को बढ़ा देंगे इस तरीके से, पूरा फुल कर देंगे। इसके बाद गाइस जो बी आर पीएनजी है उसे लगा के यहाँ पर सेट करेंगे और थ्री डॉट के ऑप्शन पे जाकर के सेंड टू बैक कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद गाइस बी आर को डुप्लीकेट करेंगे, थ्री डॉट के ऑप्शन पे जाएंगे और इसे डुप्लीकेट कर देंगे। इसके बाद इसको क्रॉपिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसमें से आपको अम्बेडकर को क्रॉप कर लेना इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ से ओके करेंगे। और गाइस इसके बाद अम्बेडकर को यहाँ जो हमारा मॉडल इमेज है उनके पीछे लगा देना, ठीक है। इसके बाद थ्री डॉट के ऑप्शन पे जाएंगे और सेंड टू बैक कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद गाइस यहाँ से ओके कर देंगे और गाइस इसके बाद इसी पोजीशन पे चले जाना आपको और लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करेंगे और आपको ये जयंत्री वाला जो पीएनजी है उसे ले लेना, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद इसे क्रॉप कर देंगे यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से ओके कर लेंगे और जयंती वाले पीएनजी को थोड़ा सा छोटा करेंगे इस तरीके से, छोटा कर लेंगे और यहाँ पर सेट करेंगे। इसके बाद इन एनिमेशन पे क्लिक करके आपको इसे फेड कर देना, ठीक है, और इसके बाद इसके लेयर को बढ़ा लेंगे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। गाइस इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद गाइस आपको इसी पोजीशन पे फिर से चले जाना है और लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करेंगे और आपको इसके बाद फायर इफेक्ट वाला जो वीडियो है उसे चूज कर लेना, ठीक है गाइस। ये रहा हमारा फायर इफेक्ट वाला वीडियो और इसके बाद आपको इसे क्रॉप कर लेना इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद आपको ब्लेडिंग के ऑप्शन पे जाना है और इसको कर देना यहाँ से स्क्रीन, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से ओके कर लेंगे गाइस। इसके बाद गाइस ये जो हमारा फायर इफेक्ट है उसे लगा के इस टेक्स्ट में सेट करेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है, इस तरीके से टेक्स्ट में सेट करेंगे अच्छे तरीके से ताकि देखने में अच्छा लगे। और इसके बाद गाइज आपको क्या करना है, इसके बाद गाइज आपको जो स्मोक वाला हमारा इफेक्ट था उसको सेंड टू फ्रंट कर लेना, ठीक है, और जो हमारा मॉडल इमेज है उसको भी सेंड टू फ्रंट कर लेना है इस तरीके से। और इसके बाद ये जो हमारा ये स्मोक वाला इफेक्ट है उसको ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे, ठीक है, और यहाँ से ओके करेंगे गाइज। इसके बाद आपका वीडियो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये जो फायर इफेक्ट है थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर लेंगे अच्छे तरीके से ताकि देखने में अच्छा लगे और यहाँ से ओके करेंगे। जो ये स्मोक वाला इफेक्ट है उसको थ्री डॉट के ऑप्शन पे जाकर के इसे डुप्लीकेट करेंगे और आगे बढ़ा देंगे इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद गाइज क्या करना है, और गाइज यहाँ पर जो फायर इफेक्ट वाला इसे भी डुप्लीकेट कर लेंगे, थ्री डॉट के ऑप्शन पे जाकर डुप्लीकेट कर लेंगे और इसे आगे लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद गाइज यहाँ से इसे ट्रिम कर लेंगे, ठीक है, ट्रिम कर लेंगे यहाँ से ट्रिम टू राइट, ओके। इसके बाद गाइज क्या करना है आपको, इसके बाद गाइज आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे चले आना है और लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना है और आपको ए वाला फायर इफेक्ट वाला जो वीडियो है इसे चूज कर लेना है और आपको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा गाइज और यहाँ से बैक करेंगे और इसके बाद आपको ब्लीडिंग के ऑप्शन पर चले आना है और यहाँ से स्किप कर देंगे और यहाँ से ओके करेंगे, ठीक है। अब गाइज यहाँ पर हमारा वीडियो कम्प्लीटली बनके तैयार हो चुका है, मैं आपको वीडियो पर लेकर के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। सो गाइज इस तरह से हमारा वीडियो बन गया और गाइज आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करो यार, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब गाइज इस वीडियो को सेव करने के लिए शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसे एक्सपोर्ट करेंगे तो
तो ये वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसे कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं। सो गाइज, वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब ठोक दो और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो चलिए गुड बाय, टेक केयर।